बदलिया जमाना हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना बदलिया जमाना हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना अगरा दे जंतर ने हिंदी दे मंतर ने अगरा दे जंतर ने हिंदी दे मंतर ने खोलिया खजाना हाँ हाँ खोलिया खजाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना रेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बराता ते रेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते ठीक है इंस्पेक्टर साहब इस खर्चे का एस्टीमेट बना के आपस विच वंड लवांगे ठीक है नौकरा तो बिना अपना किथे गुजारा असि भांडे मान सकदे हां किथे नहीं मैं जिथे तक समझदा हूं तुसी छेती तो छेती काम शुरू करवा दो तुसी फिकर ना करो इंस्पेक्टर साहब इस घटना तो सानू ते सबक मिल गया ते उन्होंने सिर्फ चा लिया ठीक है जी अच्छा जी ठीक है जी जिन्नी प्रॉब्लम बताओ उन्नी वजह कोई फायदा नहीं कोई फायदा नहीं बन जाएगा बस हम काम शुरू कर ही देना है पर ए जिया इटा ने इतने क्यों सुटा लिया साडा जिहड़ा सुलभ शौचालय बनेगा वो तो बस्ती तो परे करके है ना कोई नहीं जो उत्थे तक ले जावांगे दीदी जिहड़ा और सामान लिखवाया सी ओदी लिस्ट चेक कर लो थोड़ी हां देख लेना सारा सामान टाइम नाल पहुंच जाए शरला बहन जी नमस्कार नमस्कार और सब ठीक ते है ना सब ठीक ठाक ते है लेकिन मैं तन्नु एक गल कहना ही भूल गई कोई गल नहीं जे भूल गए तो हुन दस दियो मैं सोच रही थी जेड़ा सुलभ शौचालय असि बना रहे हैं ये बस्ती वाले आप ही क्यों ना बना लें क्योंकि आप ही बेलदार मिस्त्री ते प्लंबर हैं ए ते तुसी मैडम बत्रा दी गल खोली है मैं उन्हां नाल गल कीती ते ओ भी आई कहंदी सी मिसेस बत्रा दा कहना बिल्कुल ठीक है जी बल्कि मैं ते कहंदी हां जेकर साडे सारे लोकी दिन रात काम करन ते इस काम नु छेती छेती पूरा कर सकदे हैं लेकिन रात नु काम करन लई ते फिर लाइट दा बंदोबस्त करना पड़ेगा नो प्रॉब्लम ए तुसी मेरे ते छड़ दियो तुहाडे काम विच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बस फिर की गल है असि कल तो काम शुरू कर देने हैं जी कल असि नी रखवाने हैं मालकन जी नु सद के ए ते बड़े चंगा है जी ते शरला पेंजे हुण असि चलदे हां नमस्कार जी ए ते बड़े चंगा हो जे भाई की राजीनामा होया मजा आ गया मन गए सरला दीदी नु कोठियां वाले नु तल्ले ला के मन्निया हां देख्या हुण सरला दीदी साडा किन्ना फायदा सोचदी है ਓਏ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੁਲਭ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वाम् अभिवधनामि रक्षे मा चल मा चल मा चल उदयातो। दोनों लोग हाथ लगाइए जल, दोनों लोग लोटे में पकड़िए, जल की धारा गिराइए यहीं पर सीधे। ओम वारुणास्यो स्तंभ मनसि वारुणास्य स्कंभ सर्जनीस्ते वारुणास्य रीता साधनासि वारुणास्य रीता साधनमासि वारुणास्य रीता साधनमासि धौर। ओम वं वरुणाय नमो नमः मध्ये मातृगणास्व्रता कोक्षौ तुषागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवीणा यमुना च महानदी। ओम मंगल कलशाय नमो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ए तुसा लोका दी हिम्मत ते एकता दी जीत है, ते ए जीत तुहाडे सरला दीदी जी दी भी है। क्यों सरला जी? असल विच तुसी अगर जानना चाहंदे हो ते मैं यही कहांगी कि ए जीत पढ़ाई दी है, उस पढ़ाई दी जिन्हें सारिया विच सोचन ते समझन दी मत दित्ती, उस पढ़ाई दी जिन्हें तुहाडे विच धीरज ते विश्वास पैदा किया है। सरला जी एकदम ठीक कह रहे ने, पढ़ाई तो वड्डी कोई नेमत नहीं, कोई दौलत नहीं। चलो हुण कम शुरू करिए। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ
ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓ ਯਾਰ ਗੰਗੂ, ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ। ਓ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ। ਓਏ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਜਾਓ। ਆਨਾ ਆਨਾ ਯਾਰ ਆਨਾ, ਚੱਲ ਖਾ ਹੀ ਲਈਏ ਰੋਟੀ ਵੀ। ਵਾਹ ਵੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸ਼ੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂ ਬਈ ਗੰਗੂ, ਬਹਿ ਬਾਈ, ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਚੰਗਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਲੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਲੰਮਾ? ਲੰਮਾ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਪੀਣਾ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ। ਸ਼ਿਆਮਾ, ਓ ਸ਼ਿਆਮਾ, ਚਾਹ ਭੇਜੀ। ਚੰਗਾ ਲਿਆਨੀ ਆ। ਯਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਭਰਾਵਾ, ਛੇਤੀ ਦੱਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕਪੜਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੂ ਉੱਠ। ਓਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸੌ ਕੋਈ ਸਭ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੌਣ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਠ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ? ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ ਸੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਯੂਪੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬੂਟ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਯਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੰਜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ? ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੰਗਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਚੱਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਚਿੱਲਾਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਚੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬੱਲੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ? ਓ ਬੱਲੂ, ਆਜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਜਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਬੇਲੀ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੱਲੂ। ਨਮਸਤੇ ਚਾਚਾ। ਨਮਸਤੇ ਪੁੱਤਰ। ਅੰਕਲ ਨਮਸਤੇ। ਨਮਸਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਨਮਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਸਿਖਾਓ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗਾ, ਫਿਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਜੰਮ ਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਬੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਐਸੇ ਰਾਮੂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗਾ,
बलू नु भी बोलन देगा। क्यों बलू प्यार है? हाँ मैं तो सोच ही नहीं सकता तू इन्ने चंगे हो। खाना खा ले फिर बीबी जी नाल तेरी गल करा देंगा। चंगा हुण ते खुश हो के खाना खा ले, तेरा कम बन गया है। मैं अपने वादे के मुताबिक एफआईआर वापस लेने आई हूं। सुलभ शौचालय बन गया? थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है, बन जाएगा। ते पानी दा इंतजाम? वो तो पहले ही हो गया सी, काम वेले पानी दी लोड सी ना। इंस्पेक्टर साहब आज मैं सारिया गल्ला तो हट के तुहाडे नाल कुछ होर गल करना चाहनी सा। हुण ते सब कुछ नॉर्मल हो ही गया है, उन्हां नूं भी काम करन वालियां दी ते लोड़ होएगी, ते काम करन वालियां नूं काम चाहिदा है। हुण बच्चियां ने तो काम करना नहीं है, तो मैं सोचती सा कि इस मुद्दे ते भी खुल के गल हो जांदी ते चंगा सी। नहीं वो तो तुहाडी गल ठीक है, पर एसपी साहब का इत्थे तबादला हो गया। तदे ते मैं तुहाडे नाल गल कर रही हां, तुहानू भी इस केस बारे पूरी जानकारी तो है ही ना। हाँ 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 मैं मिसेज बत्रा नाल गल करांगा। हाँ हाँ एक मिनट तुहाडे नाल गल करना चाह रहा हूँ। हेलो, हाँ जी नमस्ते। हाँ जी 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 मैं यो ही चाहनी हाँ। हाँ जी अच्छा जी नमस्ते। वो भी राजी ने, ते हुन मैं एफआईआर वापस लेना चाहनी हाँ। चलो चंगा है जी, चंगे निपटिया, बड़ी खुशी की गल। हुन उम्मीद है कि अगे तो ऐदा नहीं होएगा। साड़ी नौकरी भी तो चलती रहनी चाहिए है जी, तुहाड़ी सेवा लई 24 घंटे हाजिर हाँ, जब भी साड़ी लोड़ पे तुसी आ सकते। चंगा नमस्ते। अच्छा, जल्दी नमस्कार। दीदी आजकल बस्ती वाले ऐसे बहुत खुश ने, उन्होंने पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है ना, तो उम्मीद है कि अगे। दीदी जी नमस्ते, अयो है दर्जी का मुंडा। आदाब। आदाब, क्यों वे की सी लेना है? कुर्ता पजामा सूट बच्चिया दिया फ्राका सब कुछ सी लेना। मैं दर्जी नाल गल कीती सी, थोड़े दिन ओदे नाल काम कर ले, तेनू इत्थों दे रिवाज और लोकां दी पसंद दा भी पता लग जाएगा, फिर तेनू किश्तां ते मशीन लै देवांगे। तू अपना काम शुरू कर ले ते मशीन दियां किश्तां भी पड़दा रहे, लेकिन हाँ काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी नाल करें, फिर कुछ भी कमी नहीं रहेगी। दीदी जी तुहानू जरा जिन्नी भी शिकायत दा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा जी, फिर आज शाम नू तुसी मेरे नाल चलना। ठीक है दीदी जी। समझ गया ना? चल। दीदी मुंडा है बहुत समझदार। छोटा जे है, काम में छुशार लगता है। मेरी इंस्पेक्टर ते मिसेस बत्रा दोनों नाल गल हो गई है, हुण तुसी सारिया जनिया अपनी अपनी पुरानी कोठी विच काम लई जा सकते हो। अवल ते कोई परेशानी होएगी नहीं, मगर अगर कोई परेशानी होंदी है तो जरूर दसना। मैं 15 दिन लई बाहर जा रही हूँ। जो उन्होंने बदला लैण दी कोशिश की थी, फिर डर तो लगता ही है ना दीदी जी। डरन दी बिल्कुल लोड़ नहीं है, वो हुण कुछ नहीं करनगे। जो उन्होंने कुछ करना होंदा ना तो ये सब कुछ नहीं होंदा। तुसी बेझिझक बेतड़क होके उत्थे जाओ। सानू तुहाडे ते पूरा भरोसा है दीदी जी। मेरा दिल तो बहुत सी कि मैं भी इस उद्घाटन विच आउंदी, काम बहुत जरूरी है, मैं रुक नहीं सकती। लेकिन फिकर करने की गल नहीं है, मेरे साथी इत्थे ही ने, कोई परेशानी हुई तो तुसी इन्हां नूं दस सकते हो। चंगा जी, राम राम जी, राम राम। कहंदे ने जे तुसी इस दुनिया नूं कुछ देना चाहुंदे हो तो प्यार दिओ, मिल वर्तन दियां नजीरा पेश करो, ते इस सुलभ शौचालय एक एहो जेही नजीर है। ये साड़ी सोसाइटी दी भाईचारे दी एक मिसाल है। जे हर थां ते कोठी वाले मजूरां दी बस्तियां विच इस तरह दा शौचालय दा निर्माण करांदे रहन ते बस्तियां विच सफाई भी रहेगी ते बीमारियां तो काबू भी पाया जाएगा। मैं इस कम लई सारे उन्हां लोकां दा धन्यवाद करनी आ
जिन्हां ने इनू बनाउण विच पैसा दिता ते जिन्हां मजूरां ने अपना खून पसीना एक करके इनू सारिया। मैं हुण सुलभ शौचालय ते एक कॉमन रूम बस्ती दे लोकां नू समर्पित करनी है। मैं बड़ा चंगा दर्जी बन के दिखावांगा, गरीबा वास्ते सस्ते रेट रखांगा ते जेड़े पैसे नहीं दे सकांगे उना दा कम मुफ्त कर दियांगा। अम्मी अब्बा नू चिट्ठी लिखी सी पर जवाब अजे तक नहीं आया। उना नू मेरी याद आंदी होएगी, मनी ऑर्डर जल्दी ही भेजांगा। मैनू अपना पिंड बड़ा ही याद आंदा है। भाई गुरमीत सिर जरा दर्द कर रहा है, थोड़ी चाह तो धर दे। उन्हें तरनी ओ भाई तेनू पता है अज इधरों बहुत सारिया बसा ने निकलना है। अच्छा हाँ बड़ी भीड़ हो जानी है 11 बजे तो बाद, कोई मेला शेला लगे इधर। अपने मुंडिया नू रामू नू ते दूजे नू तैयार कर दियो। ओ मुंडे हो? हाँ जी। और मैं क्या आज डबल कमाई करनी है। तुसी बिल्कुल फिकर ना करो, साड़ी पूरी तैयारी है। पकौड़ियां दा समान भी तैयार है ते रामू ते बल्लू दी जोड़ी भी तैयार है ते नाले तुहाडी चाह भी तैयार है। हाँ गल सुनी। तू किताब पढ़ेंगी? ना। क्यों? दिल नहीं लगता, टाइम नहीं। दीदी ऐसे काम करना बहुत औखा है, बहुत गरीबी है। लोग निराशा बहुत है, थके हुए तो बीमार लग गए। पर असी ना तो थकना है ना ही निराश होना है, मुश्किल तो आंदिया ही रहिंदिया ने। उस बस्ती विच भी सन ते इत्थे भी आनगियां, यह कोई नवी गल तो है नहीं। असी किसी ना किसी नूं ते राजी करांगे ही ना, किसी ना किसी दे दिल विच झाती मारांगे धीरज और अपने पक्के इरादे और सबर नाल। आओ चलिए। अज तुसी वेख्या कि किस तरह कोठी वालियां ने हथियार सुट दिते। सच्ची हुण भांडे मांजना उन्हां लई बहुत ही मुश्किल सी। मजदूरां दी बस्ती विच सुलभ शौचालय वास्ते इट्टा ते दूजा समान आना शुरू हो गया सी। बस्ती वाले सरला दीदी नूं मन गए। मालकन ते सरला दीदी दे हत्थी सुलभ शौचालय दी नींव रखी गई। जदों मालकन ने इस उपलब्धि दा सेरा सरला दीदी दे सिर बन्या ते उन्होंने झटकिया कि नहीं जी, ए सब ते पढ़ाई लिखाई दा नतीजा है जिसने सब नू नवा विश्वास दिता है। दिन रात कम होने लग पिया, सुलभ शौचालय तेजी नाल उसरन लग पिया। सारे गाने गांदे झूमदे हुए कम विच लग गए, पर राम सेवक कम करदे हुए डिग पिया। उधर प्लंबर प्रीतम नू बल्लू मिलिया जिसका मालिक उसनू बहुत मारदा सी। प्रीतम बल्लू नू शंभू ते कालू को लेके आया कम ते लान लई। कालू ते शंभू ने बल्लू दी गल रामू नाल कीती ते बल्लू दा कम बन गया ते ओ वी रामू दे नाल करतार सिंह दे ढाबे ते कम करन लग पिया। सुलभ शौचालय दे नाल नाल एक सांझे कमरे दा निर्माण भी पूरा होया ते मालकन ने उस नू बस्ती वालियां नू समर्पित करदिया होया कहा कि ए सुलभ शौचालय एक तरह पैसे वालियां ते कम करन वालियां दी मिल वर्तन दी मिसाल है। जे सब थावां ते इसे तरह दी भावना आ जावे ते किन्ना चंगा होवे। रिजवान मन लगा के कपड़े सीन लग पिया, पर उस नू अपना पिंड अजे भी बड़ा याद आंदा सी। हालांकि करतार सिंह दी तबीयत खराब सी, फिर भी मेले विच डबल कमाई लई उसने बल्लू रामू ते गुरमीत नू पूरी तरह तैयार कर दिता। सरला दीदी साक्षरता मुहिम लई दूसरी बस्ती विच पहुंची। इस बस्ती की हालत भी बड़ी खराब सी, कोई पढ़ना नहीं चाहता सी, पर सरला दीदी हिम्मत हारन वाली नहीं सी। अगे की हुंदा है असी वेखांगे अगली कड़ी विच। अज असी मिलते हाँ बिहार दी प्रोमिला देवी नूं। मैं साक्षरता अभियान में पढ़ी हूँ, मैं 3 किताबें पढ़ी हूँ। अब मेरे को
पढ़ने आ जाता है। पहले तो राशन लेने जाती थी और पैसा ज्यादा देती थी, चली जाती थी। मेरे आदमी जब डिप्टी से पूछने लगा कि कितना पैसा दे आई है, मैं तो बोली कि इतना दे आई, वो बोले कि तू तो इतना पैसा फालतू दे रखी है, तेरे को समझ में नहीं आता है। फिर मैंने बोला कि वहाँ पर पढ़ने लग गई तब सब कुछ जान गई। बस का भी नंबर पहले नहीं जानती थी कि कौन बस कहाँ जाएगी, लेकिन अब तो मैं कहीं भी चली जाती हूँ। तो गुड़िया का फ्रॉक हर एक डिजाइन के यहाँ बनती है। अब हम ले जाते हैं, कम से कम एक दिन में 15 जन आराम से बना लेते हैं। कभी 50 रुपये का काम हो जाता है, कभी 90 रुपये का भी काम कर लेती हूँ एक दिन में। और अब अपने सहेलियों को भी सिखाती हूँ कि तुम भी पढ़ा करो, पढ़ने से हर ज्ञान होता है, आगे जैसे दुनिया बढ़ रही है वैसे तुम भी बढ़ पाओगे। Oh, yeah.